मैं आ गया हूँ बस अड्डा, जो कि पहले हमारा अड्डा हुआ करता था। तो गाइस अब मैं मोरी गेट टर्मिनल पार करके आ गया हूँ विजय दहिया अकेडमी नंबर 2। उस टाइम पे काबली गेट कहते थे इसको, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय, और इसके जस्ट आगे पड़ता है हमारा स्कूल। मैंने फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पे BMW विजन नाम था, तो नहीं कार का क्या नाम है, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई गाड़ी, क्या मस्त लग रही है, देखना एक बार। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज जा रहा हूँ मैं बैंक मम्मी के काम से, काम तो ऐसा हमारा सबका ही है, तो उस काम से मैं बैंक जा रहा हूँ। ऑफिस से ली है मैंने छुट्टी, और चलते हैं पहले देखते हैं, अगर मिर्ज़ा आएगा तो मिर्ज़ा से मिल लेंगे, बाकी हो सकता है और भी दोस्तों से मिल लें एक दो से, चलते हैं। और बाकी गर्मी चल रही है अपने पीक पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। वैसे मौसम बहुत बढ़िया जा रहा था, ठंडा रहा काफ़ी पूरा मई का महीना, लेकिन अब एंड में गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ रही है, बिल्कुल रोड देख रहे हो पूरा खाली पड़ा है। चलते हैं अपने ऑटो में बैठ के, शेयरिंग ऑटो अगर मिल जाता तो जल्दी से चलते हैं। मुझे खजूरी से मिल गई थी मेट्रो फीडर बस, एसी वाली, तो थोड़ा तो गर्मी से बचे इससे, बाकी अब फिर धूप में जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ISBT पहुंच गए हैं, चलते हैं अपने बैंक। बाकी थोड़ा अभी दिल्ली की इस गर्मी में अगर बचना चाहते हो तो मेट्रो फीडर बस का यूज़ कर सकते हो, इस तरीके की बस ये कुछ आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा स्पेस। चलो चलते हैं। तो गाइस बस से उतर चुका हूँ और अब मैं आ गया हूँ बस अड्डा, जो कि पहले हमारा अड्डा हुआ करता था स्कूल टाइम पर, क्योंकि स्कूल टाइम पर हम एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, आप बंक करके समझ लो या स्कूल से फ्री होने के बाद, हम काफ़ी टाइम तक आधा घंटा एक घंटा यहाँ ISBT पे ही घूमते रहते थे और दोस्तों के साथ, फिर हम घर जाया करते थे। तो काफ़ी सारी मेमोरीज हैं यहाँ पे ISBT कश्मीरी गेट से जुड़ी हुई हैं, जो कि यहीं से ऑटो पकड़ना स्टार्टिंग में, जब तक सिमरन हमारे साथ स्कूल नहीं पढ़ती थी तो तब तक हम लोग बस में लटक के जाया करते थे, फिर सिमरन साथ आ गई पीछे वाले स्कूल में, उसका एडमिशन हो गया तो थोड़ी जिम्मेदारी आ गई, फिर हमने शेयरिंग ऑटो से जाना शुरू कर दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी हमारी भी स्कूल वाली, चलते हैं स्कूल दिखाता हूँ आज आपको, मेरा जो स्कूल है वो दिखा देता हूँ। तो गाइस अब मैं मोरी गेट टर्मिनल पार करके आ गया हूँ विजय दहिया अकेडमी के पास, जिसका नाम अब सेंट स्टीफन क्रिकेट अकेडमी हो गया, क्योंकि स्कूल टाइम पे जब हम आते थे ना तो नीतीश, नानू और मैं भी, अंकुश भी, और भी लोग थे, मतलब काफ़ी लोग हमारे जो फ्रेंड सर्कल के थे यहाँ पर क्रिकेट सीखने के लिए आते थे, जो कि सारे बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं आज की डेट के अंदर, तो अच्छा लगता था। हम यहाँ से स्कूल से छूटते थे कई बार, उनका मैच देखते थे हम यहाँ रेलिंग पर जाके, जैसे यहाँ पर लोग झाँक कर इस वक्त पे देख रहे हैं, देखें सब लोग मैच देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर पीछे, ऐसे हम भी उस टाइम पे उनको देखते थे मैच रिसेस में फ्री होके, और चीयर अप भी करते थे कई बार, है ना। तो नानू आप जानते ही होंगे, नानू को JD शर्मा, JD करके, JD ब्लॉग्स करके भाई का चैनल है, बढ़िया ग्रो कर रहा है, और दूसरा अंकुश भी, अंकुश का भी यूट्यूब और इंस्टा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अंकुश के तो 1 मिलियन जल्दी होने वाले हैं, प्लस यूट्यूब पे भी उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो अपने भाई लोग हैं, इनको सपोर्ट करो, जाके चेक कर लो इनके भी यूट्यूब और इंस्टा हैंडल्स, और फॉलो कर लो, और मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जाकर, अभी तक फॉलो नहीं किया है तो, मैं इंस्टा हैंडल और अपना FB हैंडल डाल दूँगा। बाकी अब मेरा स्कूल आ गया है यहाँ पे, स्कूल दिखा देता हूँ, पहले पड़ेगा नंबर 2, ये है नंबर 2 स्कूल, तो नंबर 2 उस टाइम पे काबली गेट कहते थे इसको, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय, और इसके जस्ट आगे पड़ता है हमारा स्कूल नंबर 2। अब दिखाता हूँ आपको नंबर 1। गाइस उसके बाद ये आ गया है मोरी गेट नंबर 1, उस टाइम पे इसका नाम था, अब हो गया है
सर्वोदय बाल विद्यालय दिल्ली 6। ये है हमारा स्कूल। अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है पहले के मुकाबले। और इसके जिस सामने आपको देखने मिलेगा ये विजय दहिया अकेडमी, जो कि सेंट स्टीफन्स अकेडमी हो चुकी है। अब यहाँ भी मैच चल रहा है, देखो। तो जो स्टोरी में बता रहा था, यहाँ से हम मैच देखने आ जाते थे। और ये है हमारा स्कूल, थोड़ा सा अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है हमारा स्कूल, देख रहे हो। अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। ये प्लेग्राउंड है, बच्चे देखो खेल रहे हैं अभी भी। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्कूल। किस दिन टाइम मिलेगा तो अंदर से भी दिखा दूँ, अभी बैंक भी जाना ना काम से। बट अलग ही फील होते हैं ना, पता है ना, अपने स्कूल की वाइब्स ही अलग होती हैं स्कूल वाली। दिखाता हूँ, एक दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ आपको। दूसरे एंगल से हमारा स्कूल कुछ ऐसा दिखता है, पूरा हरा भरा, अंदर पूरा पार्क ही पार्क है, गेट ही गेट, और ग्राउंड वगैरह ही बहुत अच्छा है। तो चलते हैं बैंक। गाइस स्कूल टाइम पे ना हम यहाँ पे आते थे मद्रासी कॉलोनी इडली खाने के लिए। 12 बज रहे हैं, पता नहीं इतने टाइम तक मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सब माल ख़त्म हो जाता है इतने तक। लेकिन फिर भी एक बार चल के ट्राई कर लेते हैं, अगर मिलती है तो, है ना। ये है मद्रासी कॉलोनी, पूछ लेते हैं अगर एक बार इडली वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे तो खा लेंगे। तो गाइस पुरानी दुकान तो बंद थी, अगर खाना है तो अपन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टॉल लगी हुई है। या फिर हम डायरेक्ट बैंक भी चल सकते हैं अपने काम करने के लिए। गाइस बैंक तो मैं बहुत देर खा चुका हूँ, लेकिन मुझे बैंक में जो काम है उसके लिए मुझे अपनी चेकबुक चाहिए, और चेकबुक मिर्ज़ा के पास से वो लेकर आ रहा है। एक घंटा हो गया है, आधा घंटा कुरियर वाले ने देर कर दिया, फिर वो कुरियर वाले से लेकर खुद ही लेकर आ रहा है। तो वेट करते हैं, मिर्ज़ा आ जाएगा फिर तभी कोई काम हो पाएगा। तो वेट कर रहा हूँ मैं तो, बस अभी बहुत गर्मी हो रही है, नीचे आ गया हूँ। ऊपर बैठा था बैंक में तो ठीक था, फिर भी एक घंटा बिठाने के बाद देखो मना कर दिया। कौन देख भाई, ये बंदा आ गया, काम फिर भी नहीं हुआ, दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं। तो गाइस कश्मीरी के ब्रांच वालों ने मना कर दिया, उनका स्टाफ कम था ना आज, तो वो मैम नहीं आई जो ड्राफ्ट बनाती हैं, तो उन्होंने सिविल लाइन भेज दिया। तो मिर्ज़ा मुझे यहाँ तक छोड़ के चला गया घर, क्योंकि उसके भी पापा का फ़ोन आ रहा था। यहाँ देखते काम हो जाएगा अपना, तो जल्दी से करवा के घर चलते हैं फिर। तो भाई पीछे कहाँ गया, वहाँ पे PNB बैंक है ना जो यहाँ पे सिविल लाइन्स वाला, उन्होंने ले लिया, चेक सबमिट कर लिया है। मुझे बनवाना था DD, और उन्होंने बोला 5 बजे आ जाना, और अभी बज रहे हैं 3, यानी 2 घंटे मेरे को टाइम पास करना पड़ेगा। और फ़ोन में नहीं है बैटरी, क्योंकि फ़ोन में बैटरी तो टाइम पास भी कर ले बंदा, तो अब क्या कर सकते हैं। चलते हैं कश्मीरी गेट चले जाते हैं, कुछ खा पी लेता हूँ, जब तक बैटरी रहेगी तब तक व्लॉग बनाऊँगा, उसके बाद फिर घर पहुँचने के बाद ही चालू होगा फ़ोन। ठीक है चलते हैं यहाँ से बस पकड़ के सीधा कश्मीरी गेट। यहाँ पहले सौरभ भाई काम करते थे, यहाँ रोमियो लेन है, वहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। अगर भाई मुझे लगता है आप जॉब छूट गए यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ चला जाता, थोड़ा टाइम पास कर लेता, बैठने की जगह तो मिल जाती एटलीस्ट। चलो कश्मीरी गेट चलते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पे BMW विजन नाम था, नहीं कार का क्या नाम है, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई गाड़ी, क्या मस्त लग रही है, देखना एक बार, एक नंबर गाड़ी है भाई, माल नहीं लग रही गाड़ी। People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Hey, come on, मैंने डिसीजन लिया है कि बस से क्यों जाऊं जब यहाँ पे मेट्रो है, तो है ना, एक बड़ी डम्ब सी बात है ना, जब मेट्रो है तो AC में जाते हैं कश्मीरी गेट, अंदर से कुछ खा लेंगे बर्गर किंग या जो भी मिलेगा वहाँ पे आउटलेट्स, और फिर मैं एग्जिट ना करके अंदर से ही वापस भी आ जाऊँगा फिर दोबारा से, है ना। चलो चलते हैं गाइज। हमारे मेट्रो के अंदर एक चेंज आया है, एक एक्स्ट्रा मेथड और है कार्ड टोकन के अलावा, तीसरा टिकट्स भी आने लग गई है इसमें। ये देखिए टिकट है ऐसी, और ये टिकट पे जो बारकोड है ना, वहाँ पे आपको एक स्कैनर लगा हो, तो स्कैनर पे अगर बारकोड ऐसा करके रख दोगे आप,
तो आपकी एंट्री हो जाएगी और एग्जिट भी इससे ही होगी, बस इसको संभाल के रखना। कितने लोगों को ये बात पहले से पता है बताना, चलो देख के एक बार, और जी जिसको पता है कमेंट में बताना। और घबराने की बात नहीं, बहुत ईजी है ये भी। भाई साहब कुछ भी बोलो, लेकिन जो जान मेट्रो में आके बसती है ना दिल्ली के अंदर, ये एसी इतना ज़बरदस्त चलता है, तो अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक किराया खर्च कर सकते हो ना, तो बस छोड़कर मेट्रो से ट्रैवल कर लो, टाइम भी बचेगा प्लस गर्मी से ही बहुत बचोगे, तो बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो, दिल्ली वालों की बहुत जान बचती है इससे। चलो चल के देख लेते हैं इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं, सिटिंग भी मिलनी ज़रूरी है। गाइस मस्त बर्गर खा लिया है, लेकिन आज जहाँ जा रहा हूँ ना वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है। वहाँ गया था अंदर तो कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, ऊपर से बर्गर किंग के वाले प्राइस भी नहीं रहे पहले वाले। पहले कहाँ 50-70 रुपए में दो वेज बर्गर आ जाया करते थे, अब तो वो भी नहीं मिलता है। थोड़ा स्टे करते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। स्कूल टाइम पे यहाँ भी बहुत बंक करके ना यहीं बैठा करते थे, आगे पीछे जितनी भी गैलरीज वगैरह दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीरी गेट पे कोई फेयर चल रहा हो, पूरे में स्टॉल्स लगे हुए हैं पीछे देख रहे हो। एक तो वैसे अब आना भी कम हो पाता, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉल्स ही स्टॉल्स लगे वहाँ पीछे भी, इसलिए खाने की वैरायटी बढ़ गई है यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा आपको खाने के लिए। बाय चांस आते हो उधर की तरफ तो ज़रूरी नहीं महंगे आउटलेट्स के अंदर ही जाओ, यहाँ से भी कुछ भी खा पी सकते हो, मैंगो शेक वगैरह ए टू जेड सारा माल मिल रहा है भाई यहाँ भी देख रहे हो। चलते हैं अपन और घूम लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलेंगे घर। अब मैं सोच रहा हूँ कि टाइम तो स्पेंड करना है, 5 बजे जाना है बैंक, तो विश्वविद्यालय चलते हैं, वहाँ पे मोमोज अच्छे लगते हैं, वहाँ से मोमोज खा के फिर वहाँ से सिविल लाइन्स और पास ज़्यादा पड़ेगा, तो वहीं से सिविल लाइन से अपना DD लेकर और फिर वहाँ से फिर घर चल लेंगे, है ना। 4 तो बजने वाले हैं, थोड़ी देर में इतने विश्वविद्यालय पहुँचूँगा तो टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा, तो ठीक है चलते हैं यार, है ना। ये गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे मेट्रो के अंदर, फिर भी थोड़ा ठीक है, वहाँ निकलूँगा इतने मोमोज खाऊँगा इतने वही टाइम हो जाएगा 5:30-5 बजे का। चलते हैं फिर से। गाइस हम आ गए हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर ये फूड बस बनी हुई है, इसको फिर कभी ट्राई करेंगे, अभी जिस काम के लिए हैं वो काम कर लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं। तो गाइस अपने मोमोज आ गए, मोमोज खा लेते हैं। गाइस वो पीछे शॉप देख रहे हो, अभी अभी मैंने मोमोज खाए, जैसे पहले मोमोज होते थे ना वो भी मोमोज भी वैसे नहीं थे, बिल्कुल घटिया बेकार, मैं भी जो पुराने लोग थे वो सारे हटा दिए यहाँ से, इसलिए तो एक्सपीरियंस ख़राब, 20 रुपये किराए के ख़राब हो गए यहाँ तक आने के, इससे अच्छा तो वहीं पर कुछ खा पी लेता ना SBT पर, वो बढ़िया रहता, टोटली टाइम वेस्ट, कोई नहीं कुछ देखते, कुछ पीने के लिए मिलता तो कुछ पी के चलते हैं यहाँ से। लेमन बढ़िया है यहाँ पे, अंकल के पास से लेमन पिया है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर, बट मोमोज बहुत घटिया थे भाई, मत खाना विश्वविद्यालय पे मोमोज। गाइस मैंने 2 फ़ोन कवर ले लिए, एक तो अपने लिए एक भाई के लिए ले लिया है, बाकी अभी लेमन सोडा पी लिया है, अब मैं पी रहा हूँ जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो अच्छा ही है ना, ये पी के फिर चलते घर, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने कौन सा कवर लिया है ना। और बैंक से मैसेज भी आ गया कि काम हो गया मेरा, फटाफट से बैंक चलते हैं तो बैंक भी बंद हो जाएगा। गाइस हम आ गए हैं सिविल लाइन, ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर से हवा इतनी तेज़ आ रही है ना, वो भी गर्म, बहुत बुरी लग रही है, प्योर जिसको कहते हैं ना लू, गर्म हवा एकदम वो चल रही है। मैं मेट्रो में इतना मज़ा आ रहा था थोड़ी देर पहले, अब हमारा DD रेडी हो गया, DD लेकर चलते हैं सीधा फिर घर, फिर वहाँ करेंगे थोड़ा रेस्ट, पूरा दिन भागते भी हो गया आज तो, ऐसे बनती है छुट्टी देख लो हमारी। अब वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिविल लाइन्स आ गया। तो गाइस DD बन गया है, मैं आ गया हूँ ISBD कश्मीरी गेट, चलते हैं घर, आपको बस कवर्स दिखाऊंगा मैंने कौन से लिए हैं, इसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो गाइस घर पे आ गया हूँ, बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं सुबह 11 बजे का निकला हुआ था और घर में घुसा 6 बजे,
तो मैं दो कवर लाया था, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कवर लाया था, फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी जिस काम से गया था बैंक, वो काम हो गया बड़ी मुश्किल के बाद। आज पूरी छुट्टी मेरी इसी काम में चली गई। ये मैं 1+70 के लिए लाया हूँ। अंदर ये जो लगा हुआ है ना इसमें, ये कपड़ा सा, इसके वजह से ना फ़ोन पे जो ग्लास होता है उस पर स्क्रैच नहीं आते, ऐसा वो बोल रहा था। बाकी देखते हैं यूज़ करके। प्लस ये मैट फिनिश के अंदर है पूरा कवर। अभी तो मैंने आते आते थोड़े से हाथ लग गए, तो शायद गंदा लग रहा होगा आपको। ऐसा है दिखने में ये। वन प्लस की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर सेम है। भाई के लिए भी लिया है एक, है ना। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हो या फोटोग्राफी का शौक है, तो ऐसे कवर लो जिसमें कैमरा कवर होता है, और कैमरा कवर रहेगा तो कैमरा पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे और आपको लॉन्ग टाइम के लिए कैमरा अच्छी कंडीशन में रहेगा। प्लस मुझे अच्छा मिला तो मैं भाई के लिए भी लिया एक। ये भाई का जो कवर है वो भी ख़राब हो रहा है। ये भी सेम ही है, इसको भी वो कह रहा था वेलवेट फिनिश वाला होता है, अंदर ही कपड़ा सा लगा होता है इसमें जो भी है मटेरियल, इससे ग्लास पर ना स्क्रैच नहीं आते हैं। प्लस बाहर से मैट फिनिश के अंदर, और प्लस ये वन प्लस की ब्रांडिंग। बाकी फ़ोन पे लगाने के बाद देखते हैं, भाई आ जाएगा तो मैं फ़ोटो खींच के डाल दिखाऊंगा आपको कि दोनों फ़ोन कैसे लग रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आज का दिन ऐसे ही था, और काफ़ी टाइम बाद बाहर निकला, उस साइड गया, स्कूल की तरफ गया, तो मुझे लगा स्कूल दिखा देता हूँ। तो जो जो चीज़ें हुई हो सकती थी छोटी छोटी, वो मैंने कवर करने की कोशिश करी। तो ठीक है, मिलते हैं अपने किसी नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बताना क्या अच्छा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताते हो मेरे को, फेसबुक पे कमेंट करते हो, यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट करो, आपको जो भी अच्छा लग रहा है या जो भी आप बात कहना चाहते हैं। तो इससे एक एल्गोरिदम भी बनता है और मेरी वीडियो और आगे लोगों को सजेस्ट की जाएगी देखने के लिए ब्लॉग। तो प्लीज़ कमेंट करो, जो भी आपको दिमाग में आता है, जो भी अच्छा बुरा लगता है वो कमेंट करो। प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 50% जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी भी, लगभग 50% मैंने गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखा है। और आपका प्यार बहुत मिल रहा है, क्योंकि वॉचिंग आवर्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर से ज़्यादा वॉचिंग आवर्स हो गए हैं इस टाइम पे। सब्सक्राइबर भी इतनी स्पीड से बढ़े तो अच्छा होगा, हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत थक गया हूँ, क्योंकि मैं लगभग सुबह 11-12 बजे का निकला हुआ हूँ, और मम्मी छैनी उसमें बजा रही हैं, झावा बजा रही हैं कढ़ाई में, और सिमेंट फ़ोन बजा रही है।